मैं और मेरी फैमिली इंडिया में सेफ नहीं है, हमें किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए, हमें किसी सेफ कंट्री में पहुंचाया जाए। नमस्कार, मैं हूँ आराधना और आप देख रहे हैं फायदा। आज से कुछ महीनों पहले एक बहुत जानी मानी हस्ती, बहुत नॉन स्लैब की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि इस कंट्री में, इस देश में मैं और मेरा परिवार सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, हमें किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए, हमें किसी सेफ स्टेट या सेफ कंट्री में हमें पहुंचा दिया जाए। ये सिर्फ किसी एक सेलेब का स्टेटमेंट नहीं था, पिछले कई सालों में, कई महीनों में हमने बार बार कभी किसी के स्टेटमेंट के थ्रू, कभी किसी का स्टेटमेंट ऐसा सुना। आज मैं एक न्यूज़ देख रही थी, जो आप सभी अवेयर हैं, अभी जो तालिबानी चीज़ें, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का आतंक जिस तरह से फैला हुआ है, हम सभी को पता है, कहीं ना कहीं हम सब उस दहशतगर्दी से कांप जाते हैं। कभी चाहे वो बच्चों की बात हो, चाहे वहाँ की फीमेल्स की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, वहाँ जो भी इस टाइम के वहाँ पे अटैक्स चल रहे हैं, या जो भी वहाँ पे जिस तरह से लोगों को बंदी बनाया जा रहा है, या जिस तरह से वहाँ की फीमेल्स को उनके हक से महरूम रखा जा रहा है, इनफैक्ट उनको उनकी आज़ादी के हिसाब से निकलने तक पे पाबंदी है, उनके उनके काम करने तक पे पाबंदी लगा दी गई है। इनफैक्ट वो अपने तरीके से सोच भी नहीं सकती, पहनना खाना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ के लोग जब यहाँ आ रहे हैं और हमारे देश में हमसे कह रहे हैं कि भाई हमें मत भेजो वहाँ, क्योंकि हम वहाँ सुरक्षित नहीं, क्या लगता है कि ये बात बोलना कि हम अपने अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं या फिर सेफ नहीं है, ये बहुत आसान होता है किसी के लिए भी? आज आप उनसे पूछिए, और यहाँ के लोग इतनी आसानी से कैसे मुंह उठा के कह देते हैं कि हम यहाँ पे सेफ नहीं हैं, कि हमारी फैमिली यहाँ पे सेफ नहीं है। एक बार जिन पर ये चीज़ें बीतती हैं, ज़रा एक बार अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए, या उनसे पूछिए कि जब ऐसा कोई माहौल बनता है ना, तो अपना घर, अपना देश, अपनी ज़मीन छोड़ने में जितनी जितनी तकलीफ होती है, जितना दर्द महसूस होता है, क्या सच में आप लोग वो चीज़ महसूस कर पाते हो, फील कर पाते हो, या सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देते हो कि हम यहाँ सेफ नहीं? आई एम रियली शॉक्ड। आज मैं उन लोगों की जो हालत देख रही थी, जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स, जिस तरह मीडिया उनको दिखा रहे हैं, वो तो बस दिखा रहे हैं, जो उनके ऊपर बीत रही, जो उनके ऊपर गुजर रही, जिससे वो गॉन थ्रू हो रहे हैं, एक्चुअल में दैट कॉन पेन, एक्चुअल में वो जो डिमांड कर रहे हैं ना, और इसके बावजूद भी जब अपनी सरजमीन को छोड़ रहे होंगे, तो उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी, ये आप एक बार उनसे पूछिए, उसके बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट दीजिए। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा इस पर कुछ बोलना नहीं है, बस मुझे लगा कि ये आसान बहुत होता है कहना। खैर, ये मुझे लगता है ये उन लोगों में से होते हैं जो, एक कहावत नहीं है कि थाली में छेद करना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, तो ये छेद नहीं करते बेसिकली, ये मुझे लगता है कि थाली का पूरा बॉटम उड़ाने के फिराक में रहते हैं। तो मेरी गुजारिश है ऐसे लोगों से कि दोबारा ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार नहीं, 100,000 बार सोचिए, क्योंकि अपना देश, अपना शहर, अपनी कंट्री या अपना घर परिवार छोड़ना इतना आसान होता नहीं है जितना आसानी से आप लोग कह देते हो।